बलाईगढ़ जनपद के खमरिया पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहाँ एसबीएम शौचालय के सैकड़ों हितग्राहियों को शौचालय निर्माण के लिए दी जाने वाली 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि सरपंच सचिव ने शौचालय की राशि निकालकर खुद ही हड़प ली है। हितग्राहियों ने बताया कि कर्ज लेकर शौचालय निर्माण किया गया है, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी अब तक निर्माण कार्य के लिए दी जाने वाली राशि नहीं मिल सकी है। वो क्या है, उनका कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं इस बात में। अब क्योंकि पैसा निकाल चुके हैं वो लोग, तब कहाँ से ध्यान रहेगा? मतलब आपके हिसाब से पैसा निकाल कर रखे हैं वो लोग, इसलिए हमारी बातों को कोई ध्यान नहीं देते हैं। पूछे राशि अभी तक नहीं मिले, सरपंच कर जासन तो सरपंच कहते कि राशि आए कि नहीं कहते बारिश है। अब कर गेन सीओ भी ध्यान नहीं देते, कलेक्टर का भी गेन अधिक जानकारी के लिए अखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिल, आखिर कितना समय हो गया है ये जो शौचालय निर्माण की राशि है दी जाने वाली थी और नहीं दी जा रही है? बिल्कुल, मैं रितेश जी बता दूं आपको, ये हम जयगढ़ जनपद पंचायत के खमरिया पंचायत की है, जहाँ पर सरपंच रामदयाल जी हैं और उसके आश्रित गाँव खमरिया है। वहाँ 4 साल हो गए जी बिहार द्वारा स्वयं की राशि कर्ज लेकर शौचालय निर्माण किया गया था, लेकिन 4 साल में 1 रुपये किसी को एसबीएम शौचालय का राशि नहीं दिया गया है। इसके सैकड़ों की संख्या पर ब्लौदा बाजार कलेक्टर कार्तिकेय एसडीएम के सूर्य और सीओ को शिकायत किया, लेकिन एक वर्ष गुजर जाने के बाद आज तक किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। अखिल, आखिर किसकी मिली भगत है? क्योंकि हम देखिए लगातार सरकार की तरफ से इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, इतनी कोशिशें की जा रही हैं कि जगह जगह शौचालय बन सके और सरकार खुद उस पर पैसा खर्च कर रही है, पर यहाँ पर सरकार की तरफ से तो पैसा जा रहा है पर कहीं ना कहीं मिली भगत तो बीच की है जो ग्रामीण तक उसका लाभ नहीं पहुँच पा रहा। जी बिल्कुल, मैं बता दीजिए, सरपंच सचिव की साफ लापरवाही की बात सामने आ रही है, क्योंकि 4 साल हो गए, 3 से 4 वर्ष की राशि सरपंच सचिव के खाते पर चला गया है, लेकिन राशि को उन लोगों ने निकाल कर गमन करने का ग्रामीणों द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है, जबकि इस पर शिकायत उच्च अधिकारी को ग्रामीण के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी भी किसी प्रकार का उस कार्रवाई नहीं किया जा रहा, जिस पर साफ तौर पर अधिकारी की विभिन्न मिली भगत के सामने बात कही जा रही है। और साफ तौर पर 12,000 जो प्रोत्साहन राशि रहता है उसको अभी तक उन लोगों को ग्राहक नहीं दिया जा रहा है। वहीं ग्राहकों का ये कहना है कि सरपंच सचिव की लापरवाही के कारण ये हो रहा है, जिसके कारण उन लोगों ने ग्राम पंचायत को अलग करने की मांग भी लगातार 4-5 वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक अलग नहीं किया है, जबकि वहाँ की जनसंख्या 1300 से अधिक जनसंख्या है, उसके ग्राम गाँव बाद भी आश्रित गाँव को जोड़कर रखा है, जहाँ की जो सरपंच आश्रित गाँव की है उसके साफ तौर पर उसकी लापरवाही बात कही जा रही है, देखने को मिल रही है। लगातार हितग्राही परेशान हो रहे हैं, शिकायत लेकर पहुंचे हैं, अब क्या कुछ सरपंच सचिव का कहना है और वहां के हितग्राही क्या कह रहे हैं? अब वहां के सरपंच से साफ तौर पर कहना है कि अभी तक एसडीएम शौचालय की राशि नहीं है, जिसके कारण मैं हमारे द्वारा हितग्राहियों को नहीं दे पाए हैं, जैसे ही आएगा तो शौचालय की राशि दिया जाएगा, ऐसा उन लोगों का कहना। वही ग्रामीणों को साफ तौर पर आरोप है कि जनपद पंचायत क्षेत्र में सभी पंचायत के आयोजन को पैसा आ चुके हैं, सभी हितग्राहियों को दे चुके हैं, लेकिन आखिर में ही पंचायत जो खमरिया है वहाँ की पैसा आखिर में कहाँ अटके हैं, सिंपल इसी कारण वहाँ की पैसा हितग्राहियों तक नहीं पहुँच पा रहे, जिसके लिए ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार और दमन करने का आरोप लगा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अखिल।